अच्छा टाइप ऑफ कंडक्टर है सॉलिड, हॉलो, स्टैंडर्ड, कंपोजिट और बंडलिंग, ठीक है, इनमें क्या फर्क होता है एक दूसरे का, एक दूसरे पे किसको ज्यादा फुकियत हासिल है, किसमें क्या हिसाब किताब होता है वो चेक करते हैं। देखिए सॉलिड कंडक्टर होता है एक सीधा सीधा मोटा एक आम एक ही तार हो जिसके अंदर मोटी है ना, ठीक है, इसको एक वैसे सिंगल कंडक्टर को स्ट्रैंड भी कहते हैं। देखिए सिंगल कंडक्टर होता है ये शॉर्ट लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड कंडक्टर ज्यादातर सब स्टेशंस में इस्तेमाल करते हैं इसको। अब देखिए एक ही मोटा कंडक्टर है तो इसमें एजेस के ऊपर जब करंट बहती है तो अफेक्टिव एरिया जो होता है करंट का, करंट के गुजरने का अफेक्टिव एरिया कम होता है, ठीक है, दरमियान में उसमें फ्लक्स तक आता है तो दरमियान में जो फ्लो ऑफ करंट नहीं होता, ठीक है, एजेस पे करंट बहता है, जब एजेस पे करंट बहता है तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है, ठीक है, जब अफेक्टिव एरिया कम हो जाता है, जब अफेक्टिव एरिया कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एरिया कम हो गया रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो हमारे कॉपर लॉसेज किस तरह फाइंड करते हैं, आई स्क्वायर आर से, ठीक है, आई स्क्वायर आर से फाइंड करते हैं, जब आर ज्यादा होगी तो कॉपर लॉसेज इसमें ज्यादा हो जाएंगे। हॉलो कंडक्टर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से नजर आते हैं, देखिए दरमियान में इनके सुराख हुआ पड़ा है, हॉलो हुआ पड़ा है ना, ये सारे केसेस में एक जैसे नजर आ रहे हैं आपको, दरमियान में एक सुराख बीच में नजर आ रहा हूं। शॉर्ट लेंथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्यादातर सब स्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इनको कूलिंग भी चाहिए होती है। अब देखें कंडक्टर्स बहुत चौड़ा है तो उसका रेडियस ज्यादा है ना, ठीक है, जब हॉलो कंडक्टर का रेडियस हमारा पीछे जो हमने सॉलिड कंडक्टर देखा था उससे ज्यादा है, जब इसका रेडियस ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, जब रेडियस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो उसका कोरोना लॉस कम होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होते हैं ये देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड कंडक्टर इस तरह से होते हैं, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रैंड्स को आपस में मिला के बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ में गोल तारें लगाई जाती हैं, कुछ में इस तरह के चिपटी हुई तारें होती हैं, जिसमें गोल तारें होती हैं उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर आर डब्ल्यू कहते हैं, राउंड वायर वाला ना, इसमें हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जिसमें ये वाली तारें होती है ये इसको ट्रेपोजाइडल वायर कहते हैं, इसमें ये इसका फायदा ये होता है कि इससे ना वेंटिलेशन इसकी अच्छी होती है, इसका टेम्परेचर इसको ना इसके हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट ना ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू ये राउंड वायर वाले। अच्छा देखो स्ट्रैंड जो है एक सिंगल वायर को कहते हैं, ठीक है, कॉपर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में क्योंकि उसके अंदर ट्विस्टिंग पावर कम होती है, ठीक है, जब ट्विस्टिंग पावर कम होती है तो कॉपर जब नहीं इस्तेमाल कर सकते तो हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में सिर्फ एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। मोर इफेक्टिव एरिया फॉर करंट टू फ्लो, देखिए ये ओवरऑल जो है, ठीक है ना, एक कंडक्टर्स की बजाय आपने ज्यादा कंडक्टर लगा दिए तो ओवरऑल एरिया क्या बन गया, इसका बढ़ गया, जब इफेक्टिव एरिया बढ़ गया तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो लॉसेज होते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेज, आर के कम होने से आई स्क्वायर आर लॉसेज यानी कि कॉपर लॉसेज कम हो जाएंगे। स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो एल्यूमिनियम होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है ना, देखें टेंसाइल का मतलब होता है खिंचाव ना, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है, तो सैग जो होता है झुकाव जो होता है एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट टी,
तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के, ये टी का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, वो इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी सैग उतनी ज्यादा होगा, यानी कि तारों के बीच में झुकाव क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए हम जब पोल्स के ऊपर कंडक्टर लगाते हैं तो हमें सैग विद इन लिमिट रखना पड़ता है, हम एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं कर सकते और सैग को कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब बहुत ज्यादा कंडक्टर खिंचे हुए होंगे तो मतलब इन केस ऑफ आईसी जब जहां पे बर्फ पड़ती है तो उस वजह से कंडक्टर के टूटने का खतरा होता है और तूफान में भी ज्यादा मसला हो जाता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी जब लो होती है तो उसमें सैग ज्यादा आता है, जब सैग ज्यादा आता है, झुकाव ज्यादा आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टावर ज्यादा लगाने पड़ते हैं ताकि हम सैग को ओवरकम कर सके। ठीक है, सैग को ओवरकम करने के लिए हम नंबर ऑफ टावर जब ज्यादा लगाएंगे तो वो महंगी हो जाएगी ना, काफी कॉस्टली हो जाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स की कुछ टाइप्स होती हैं, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, डबल एसी कंडक्टर्स। देखिए इसके अंदर टोटल एल्यूमिनियम होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड कंडक्टर है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स काफी ज्यादा स्टैंड आपस में मिलके एक एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के अंदर प्योर एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, इसमें काफी जंग के अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस होती है, कोस्टल एरिया में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसको। देखिए एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि उसकी लचक या खिंचाव ज्यादा होता है, जब उसमें खिंचाव ज्यादा होता है तो उसमें सैग ज्यादा आता है, तो डबल एसी कंडक्टर के अंदर सैग ज्यादा आता है, जब सैग ज्यादा आता है तो हमें खम्भे ज्यादा लगाने पड़ते हैं सैग को ओवरकम करने के लिए, तो फिर हमें ये काफी महंगी पड़ जाती है, कॉस्टली होती है। ट्रिपल एसी कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, इसमें देखिए डबल एसी वाले के केस में हमें इसका काफी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एल्यूमिनियम का अलॉय की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जब अलॉय की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी बेहतर हो जाती है। ठीक है, आपको कंपैरेटिवली ज्यादा स्टैंप मिल जाता है खम्भों के बीच में। ठीक है, डबल एसी की निस्बत आपको ज्यादा बेहतर कंडक्टर मिल जाता है अलॉय की फॉर्म में, तो ये ज्यादातर रेलवे क्रॉसिंग और हिल एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोरोजन के अगेंस्ट इसकी मॉडरेट रेजिस्टेंस होती है। कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, देखिए स्टैंडर्ड कंडक्टर वो होता है जिसमें सिर्फ ये वाले तारे हो ना, देखें ये इस तरह से ना, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है। कंपोजिट कहते हैं मिक्सचर को, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर में आप कंडक्टर भी लगाते हैं और उसके बीच में सहारा देने के लिए ना बीच में स्टील या कोई कंबाइन चीज, कोई कंपोजिट चीज सर बीच में लगा देते हैं जो इस कंडक्टर को मजबूत बना देती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल वाले कंडक्टर थे उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम थी, तो इस केस इसको इंप्रूव करने के लिए इसमें कंपोजिट कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इसमें कोई स्टील की वायर शायर लगा के इसको ज्यादा पावरफुल बनाया जाता है, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इनमें स्किन इफेक्ट काफी कम होता है जैसे पिछले केसेस में था। नॉन यूनिफॉर्म आउटर सरफेस, ठीक है इसमें देखे ना कंपोजिट कंडक्टर्स हैं तो ये बाहर वाली आउटर सर्फेस नॉन यूनिफॉर्म, जब नॉन यूनिफॉर्म आउटर सर्फेस होती है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आती है तो उसका नुकसान क्या होता है, हमारे कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा कंपोजिट कंडक्टर्स की कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं। ACSS एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड, देखिए कंडक्टर एल्यूमिनियम का होता है, बीच में इसको सपोर्ट करने के लिए स्टील बीच में डाला जाता है। जैसे देखें दो तरह के एल्यूमिनियम कंडक्टर दिखाया गया, ये राउंड वायर है ये ट्रेपेज़ॉइडल वायर है, ये बीच में इसको सपोर्ट करने के लिए क्या दिखाया गया, स्टील इसमें लगा हुआ। ठीक है, राउंड वायर वाले गोल वाले गोल तारे हैं इसमें ना, तो हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है इसमें, ये ट्रेपेज़ॉइडल वायर वाला है जिसमें इस तरह की पट्टियां लगी होती हैं, इसकी जो है हाई टेम्परेचर
जो है कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर। अच्छा ACSS में हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ जब ज्यादा होती है ठीक है तो सैग कम होता है ना, ठीक है ना। जब आपने इसके अंदर इसको सपोर्ट करने के लिए इसके बीच में क्या कर दिया, स्टील लगा दिया, तो स्टील लगा दिया तो डबल AC या ट्रिपल AC से इसको एक एडवांटेज मिल गया कि इसके बीच में जब लगा हुआ स्टील तो उस स्टील की वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इसका खिंचाव की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब वो ज्यादा होती है तो वो सैग के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, तो सैग कम होता है। जब सैग कम होता है तो आप दो टावर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रख सकते हैं, जब डिस्टेंस ज्यादा रख सकते हैं तो वो सस्ती पड़ती है, कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली या चीपर होती है कंपैरेटिवली। AACCR एल्यूमिनियम कंपोजिट कोर रीइंफोर्स, ठीक है। अच्छा इसके केस में हमारे पास दो चीजें होती हैं। देखिए इसमें जो आउटर कंडक्टर होता है वो एल्यूमिनियम जिंक्रोनियम का बना होता है, ठीक है, जिंक्रोनियम यानी कि इसके लाइक का बना होता है, दरमियान वाला जो है एक कंपोजिट मटेरियल का बना होता है, मतलब ये स्टील का नहीं होता, कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि फाइबर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या रीइंफोर्स्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब देखें जो आउटर साइड है वो क्या एल्यूमिनियम का एक लाया है, एल्यूमिनियम जिंक्रोनियम ज्यादातर इसी का बना होता है, ठीक है। अब इसके केस में इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी डबल देन AC है, ACSR। ACSR क्या है, कौन से वाला? अब देखिए इसके अंदर ACSR जिसके अंदर एल्यूमिनियम कंडक्टर जिसके अंदर स्टील रीइंफोर्स होता है ना, जिसके दरमियान में स्टील लगा होता है, अभी जो पिछले वाला हमने पढ़ा था ना, अब स्टील वाले की निस्बत इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी डबल हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जब कंपोजिट मटेरियल लगाते हैं तो टेम्परेचर जो है इसका वर्किंग टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर काम कर सकते हैं। करंट कैरिंग कैपेसिटी इसके ज्यादा होगी, हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस केस में भी हाई जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंपोजिट है तो इस वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, जब इसकी लचक की पावर ज्यादा होती है तो सैग कम होता है, जब सैग कम होता है तो पावर्स के बीच टावर्स के बीच में डिस्टेंस कम रखते हैं तो लेस कॉस्टली होती है। ACC ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बन कंपोजिट कंडक्टर, ठीक है। देखिए शुरू से आपके साथ ये एक फिगर चली आ रही है ना, ये वाले कंडक्टर हैं, ये वाले एल्यूमिनियम कार्बन वाले, ये देखिए ये बना हुआ ACC। ये दूसरे वाले कौन से है जिसमें स्टील लगा होता है या ये कंपोजिट मटेरियल लगा होता है। अब देखें इसमें जो आउटर मटेरियल है वो जिंक्रोनियम का लगा होता है एल्यूमिनियम के अलाय का, ठीक है। और इसके अंदर जो अंदर वाला मटेरियल होता है वो कंपोजिट ऑफ ग्लास कार्बन और फाइबर का लगा होता है, ये वाला अंदर वाला मटेरियल जब उसका लगा होता है तो इसको कंपेरेटिवली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मिलती है, ठीक है। उसकी वजह से सैग कम होता है, चीपर होती है, और ये हमने जैसे पिछले केस में देखा था एज इट इज, ठीक है। करंट कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा होती है। अच्छा इसमें जो ज्यादा हमें ओवर इफेक्टिव चीज मिलती है क्या, वेरी हाई वर्किंग टेम्परेचर, मतलब इसको कहा जाता है कि 250 सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकता है। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर बंडल बनाना ना। देखिए अगर इस पिक्चर को आप देखें, थोड़ा सा जूम कर लें, इसको किया जा सकता है, ये देखिए डिफरेंट बंडल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कंडक्टर्स के आपस में 6 स्टैंडर्ड कंडक्टर मिला के एक क्या किया गया है, बंडल कंडक्टर बनाया गया, ठीक है। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर इस तरह से होता है। इसका फायदा ये होता है कि ये हमें इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये नहीं इस्तेमाल किया जाता, स्पेशल केसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। आप इस केस में जब स्पेशल केसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं तो देखें जब आपने ज्यादा कंडक्टर लगा लिए, ठीक है, तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा।
रेडियस बढ़ेगा तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी और कोरोना लॉस कम हो जाएगी। रेडियस वर्सेस कोरोना लॉस, देखिए अगर एक कंडक्टर का रेडियस कम है और एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस ज्यादा है तो दोनों में क्या फर्क होगा? ठीक है, अगर एक कंडक्टर का फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है जिसका हाई रेडियस है, ठीक है, जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी जो एल होती है जो इंडक्टेंस है वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, तो जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी इंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब उतनी जितनी इंडक्टेंस कम हो जाएगी, जब इंडक्टेंस कम होगी तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा तो हमारा कोरोना लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो जितना रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कोरोना लॉस थोड़ा होगा। ठीक है, इस रेडियस का मतलब इफेक्टिव रेडियस के अंदर है। ठीक है, अगर आपका सॉलिड कंडक्टर है तो उसके केस में इफेक्टिव रेडियस कम होता है क्योंकि एजेस के ऊपर करंट पहना शुरू कर देती है। हॉलो कंडक्टर में ये कंपैरेटिवली ज्यादा होता है क्योंकि आपका जो इफेक्टिव रेडियस है वो ओवरऑल ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो आपके सॉलिड कंडक्टर है उसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड टकराने की वजह से बीच में से करंट नहीं गुजरती। रेडियस वर्सेस मैक्सिमम पावर, ठीक है, रेडियस का मैक्सिमम पावर के साथ क्या रिलेशनशिप है? देखें जो इंडक्टेंस होती है वो रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। देखें जब रेडियस हाई होता है तो इंडक्टेंस कम होती है, ठीक है, अब जब रेडियस कम होता है तो इंडक्टेंस ज्यादा होती है, तो हाई ले लेते हैं, हाई जब रेडियस हाई होता है तो इंडक्टेंस कम हो जाएगी, जब इंडक्टेंस कम हो जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू 2πfL होता है, जब इंडक्टेंस कम हो जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रिड्यूस होगी। अब देखिए मैक्सिमम पावर के साथ इसका रिलेशनशिप चेक करना है तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू EV बाय X, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जब XL रिड्यूस हुई है तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।